like a Hellcat. हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनोली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, आज सॉलिडवर्क्स के नेक्स्ट लेक्चर में हम स्वीप बॉश एंड स्विफ्ट कट का यूज करके दिखाएंगे। एंड आपको मेरा ये चैनल कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए अगले नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम स्विफ्ट बॉस का यूज किस तरह से करें। तो यहाँ पर स्वीप का यूज करने से पहले इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पाथ बनाना और दूसरा प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल पाथ के अलोंग इंक्रीज करेगा, सेक्शन को इंक्रीज करेगा। ओके, तो इससे हम जैसे रिंग बनाना या आपका फ्रेम बनाना, गाड़ी का फ्रेम बनाना, डोर के फ्रेम बनाना, ठीक है, या इससे हम स्प्रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखें इसका यूज आप किस तरह से करें। तो सबसे पहले आप सॉलिडवर्क्स ओपन कीजिए, न्यू में जाइए, यहां से पार्ट सिलेक्शन, देन ओके। यहां पर मैं एक डोर फ्रेम बनाएंगे, तो फ्रंट सिलेक्शन कीजिए, नॉर्मल स्केच में जाइए, यहां से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट कीजिए, रेक्टेंगल कॉर्नर रेक्टेंगल यूज हम इसमें करेंगे। एंड साइज आप यहां पर दे दें, सपोज ये साइज आपने 140 और ये आप 240 की साइज कर लीजिए। इसको आप सिमेट्रिक कर लें 120 और ये आपका 70। सपोज आपको अगर फिलेट भी करना हो तो आप फिलेट का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं अगर तो आप एग्जिट करें। टॉप प्लेन आप यहां पर सेलेक्ट करें एंड नॉर्मल स्केच में आप लाइन के थ्रू एक प्रोफाइल आप ड्रॉ करें। ओके, नाउ सपोज ये साइज आपकी 12, यहां से भी आप इसको 2, और इसको आप एक बार सिमेट्रिक कर दीजिए, इसको 6 कर दो, ठीक है। यहां से एक डिस्टेंस आपकी जो विड्थ की डिस्टेंस थी, यहां पर आप इसकी साइज आप दे दें 70। एग्जिट वर्क बेंच ये इस तरह से आपके पास में, अगर आप यहां पर देखें तो ये कनेक्टेड आपका, ये डिस्टेंस यानी लाइन की लाइन से कनेक्टेड है ये आपका जो फ्रेम है, इसको हम प्रोफाइल कहेंगे और ये पाथ है। तो आप फीचर्स में जाएंगे, यहाँ से स्विफ्ट बॉस का यूज करें। सबसे पहले आप प्रोफाइल को सेलेक्ट करें और उसके बाद में आप पाथ को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास में एक विंडो फ्रेम आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसको आप हाइड कर लें एक बार,
क्लियर। और यहाँ पर आप स्केच को हाइड कर सकते हैं, स्केच जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल को अगर आप हाइड करेंगे यहाँ से, आई आपको यहाँ पर नहीं है, शो एंड हाइड का ऑप्शन नहीं है। आप इसको अगर हाइड करेंगे तो ये चीज़ आपके प्रोजेक्ट शो एंड हाइड। ठीक है, आप यहाँ से कलर भी अगर आप देखेंगे तो कलर में आप पूरे पार्ट पे आप एक कलर दे दें, बॉडी पे के ऊपर आप कलर दे देंगे। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ से कलर का ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। कलर में सपोज आपको इसका कलर देना है, ओके, और यहाँ से आप इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से ये आप एक फ्रेम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, चौकट जिसको हम कहते हैं। यहाँ से आप टॉप व्यू, साउथ वेस्ट, दूसरा आप यहां से फिर अगेन फाइल क्लोज कीजिए। सपोज आपको बैंड पाइप बनाना, बैंड सॉकेट बनाना है, ठीक है, तो यहां से आप बैंड सॉकेट बना सकते हैं। आप फ्रंट सिलेक्शन कीजिए नॉर्मल, और यहां से आप लाइन ड्रॉ करें, इसकी साइज आप दे दीजिए 175 एंड 175, और ये आप प्लेन को सेलेक्ट करते हुए इस पॉइंट को आप सेलेक्ट करें और इसकी वैल्यू को आप जीरो करें, ऊपर की तरफ आप दे दें इसको। फिलेट आप यहाँ से करेंगे, और सपोज आप 120 रेडियस का फिलेट आप यहाँ पर दे दें, 120 रेडियस, देन ओके, एग्जिट। यहाँ से आप फीचर में जाएंगे, फीचर में आपके पास में यहाँ पर एक प्लेन का ऑप्शन आता है, आप इमेजनरी प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तीन प्लेन आपके पास में ऑलरेडी फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको प्लेन को सिलेक्ट कर लेना है तो आप सबसे पहले लाइन को यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट को सिलेक्ट करें, ठीक है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर एक प्लेन यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा। आप यहाँ से ओके करें प्रॉपर्टीज से, और इसको आप नॉर्मल करें। नॉर्मल करने के बाद में आप यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करें, जहाँ पर आपको एक सेंटर रेड कलर में यूसीएस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सेंटर पॉइंट आप लेते हुए और यहाँ से आप 100 डायमीटर का एक सर्किल ड्रॉ कर दें। एग्जिट वर्क बेंच, वर्क बेंच से बाहर जाएंगे, यहाँ से आप इसको प्लेन को ऑफ करें, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक सर्किल, सर्किल आपका प्रोफाइल है और ये पाथ है। फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पर आप स्विफ्ट का यूज करेंगे, स्विफ्ट बॉस का, इसको आप सेलेक्ट कीजिए और सर्किल को सेलेक्ट करें, ठीक है। यहाँ से ये अभी आपके पास में, आप इसको ओके करेंगे तो सॉलिड ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, बैंड सॉकेट, लेकिन ये सॉलिड है। अगर मुझे हॉलो करना है तो इफ यू राइट क्लिक एडिट डेफिनेशन, तो यहाँ पर आपके पास में एक थिन फीचर्स का ऑप्शन आता है। अगेन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, हम थिन फीचर्स का यूज करेंगे, स्वीप को आप यहाँ से डिलीट कर दें, यस, ओके। देन स्विफ्ट बॉस में, अगेन स्विफ्ट बॉस में आप जाइए, यहाँ से प्रोफाइल आप सेलेक्ट करें सर्किल को और यहाँ से
सेलेक्ट करें, यहाँ पर थिन फीचर्स का ऑप्शन है आपके पास में, आप इसको क्लिक करेंगे, वन डायरेक्शन आप यहाँ पर देखेंगे। तो अगर मैं इसको चेक करूँ टॉप व्यू से, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक सर्किल जो आपने स्केच बनाया था उससे एक साइड में डिस्टेंस आपके पास में यहाँ पर शो कर रही है, यानी आउट साइड में आपका यहाँ पर थिकनेस बनते हुए आएगा 10 डिस्टेंस का। और अगर सपोज आपको मिड करना है तो आपका जो सर्किल है ये आपका मिड में आ जाएगा, तो 5 डिस्टेंस अंदर की तरफ, 5 डिस्टेंस बाहर की तरफ यहाँ पर आपके पास में होल बन जाएगा, ठीक है, थिकनेस आ जाएगी, या फिर थिकनेस आ जाएगी 10 mm। और सपोज आपको दोनों साइड में अलग अलग आपको थिकनेस देनी है कि आपका आउटर साइड में 10 की थिकनेस है, इनर साइड में 1 यहाँ पर दिया हुआ है, सपोज आपको यहाँ पर 6 थिकनेस करनी है अंदर की साइड में, तो आप यहाँ पर देखेंगे 6 थिकनेस यहाँ अंदर की साइड यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, यानी टोटल थिकनेस आपकी 16 mm हो जाएगी, 10 + 6। अंदर की साइड में मैंने यहाँ से 10 कर दिया और बाहर की तरफ में यहाँ पर 6 कर रहा हूँ, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा यहाँ से। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको 12 mm थिकनेस लेके और यहाँ से मैं इसको मिड प्लेन ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास में थिन फीचर्स का इसमें यूज हो रहा है स्वीप के अंदर। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्वीप का यूज करेंगे, किसी भी प्रोफाइल को अलोंग द पाथ ये इंक्रीज करेगा और सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, आपके पास में अगर मुझे स्प्रिंग ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इसमें पहले तो बैंड सॉकेट में हम एक कलर फिल कर देते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ से मैं कलर का ऑप्शन यहाँ पर ले रहा हूँ, डायरेक्ट ड्रैग करें आप पार्ट बॉडी में जाइए, यहाँ से आप वापस फिल करें, डबल क्लिक करें कलर के ऊपर और यहाँ से आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नाउ फाइल जाइए और दूसरा हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं पार्ट मोड पे जा रहा हूँ। ओके, यहाँ से हम सबसे पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करना है हमको और उसके बाद में एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि स्ट्रिंग की जो आपकी हाइट है, ठीक है, टोटल हाइट आप उसको कितना देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ से स्ट्रिंग की हाइट को 200 डिस्टेंस दे दी, ठीक है, ये पाथ है। एक बार फिर आप इससे बाहर आइए और वापस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए एक सर्कल यहाँ पर ड्रॉ करें, ठीक है, इसको तो ये वायर का डायमीटर होगा, जो सर्कल आप यहाँ पर दे रहे हैं वो वायर का डायमीटर होगा, सपोज 5 mm का मैंने यहाँ से सर्कल का डायमीटर दे दें और सेंटर से एक रेडियस आप दे दें, ठीक है, जो आपका मिड प्लेन है यहाँ पर रेफरेंस प्लेन है उससे एक रेडियस आप दे दें यहाँ से, सपोज मैंने यहाँ पर भी 25 का रेडियस दे दिया। देन एग्जिट वर्क बेंच, आप बाहर आइए, फीचर्स में जाएंगे, स्विफ्ट बॉस का सिलेक्शन करना, प्रोफाइल को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद में आप लाइन को सेलेक्ट करें, यहाँ से आप ऑप्शन में जाएंगे, ये आपके पास में ऑप्शन है, कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इस पर क्लिक करें और जो प्रोफाइल ट्विस्ट आपके पास में यहाँ दिया हुआ है इसमें स्पेसिफाइड ट्विस्ट वैल्यू आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ट्विस्ट कंट्रोल में आप यहाँ से रिवॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे। रिवॉल्यूशन में यहाँ पर सपोज आपको 5 mm का गैप और 5 mm का आपके पास में डायमीटर पर लग जाए, यानी 10 mm, तो 200 / 10 यहाँ पर आपको 20 नंबर ऑफ टर्न आप यहाँ पर देंगे, ठीक है, 20। Then exit, okay. और यहाँ से आप इसको हाइड कर लें प्लेन को, कलर आप यहाँ से दे दें, कलर का सिलेक्शन ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड पार्ट बॉडी, देन क्लिक करें, कलर्स में जाइए डबल क्लिक करके और यहाँ से कलर सिलेक्शन आप कर दो, ठीक है, जो भी कलर आपको यहाँ पर देना है आप कलर का सिलेक्शन करें। ओके,
तो ये आपके पास में स्प्रिंग ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ से हम साउथ वेस्ट में चलते हैं, साउथ वेस्ट में इस तरह से स्प्रिंग आपके पास में नजर आएगी। दूसरा कलर चेंज करें, अगेन आप यहां से फाइल क्लोज, डोंट सेव, न्यू विंडो, पार्ट, देन ओके। यहाँ पर मुझे एक शेप कट का ऑप्शन यूज करना है। सपोज हम सिंपल एक क्यूबॉइड यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। स्केच में जाके आप सेंटर रेक्टेंगल ले लीजिए, और यहाँ से मैं 200 बाई 100 का एक हम यहाँ पर क्यूबॉइड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक्सट्रूड करें इसको, एक्सट्रूड करने पे एक इसकी डिस्टेंस दे दें, थिकनेस दे दें, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर 40 mm की थिकनेस यहाँ पर दे दी। इसी फेस को सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मल पे जाइए और यहाँ से वापस एक सेक्शन, सपोज मैं स्ट्रेट स्लॉट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और हमने सेंटर से एक डिस्टेंस दे दी इसको 100, और यहाँ से सिमेट्रिक आप कर लीजिए 50। इसका भी आप यहां से रेडियस दे दें, सपोज आपने 30 रेडियस यहां पर दे दिया। एग्जिट पर पेंच, ओके। नाउ फीचर्स में आप जाएंगे, यहां से फीचर में हमको यहां पर एक प्लेन सेलेक्ट करना है, यानी प्लेन लेना है। तो मैं इस पॉइंट पे प्लेन ले रहा हूं यहां पर जस्ट, और इसको आप नॉर्मल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक स्केच आपको ड्रॉ करना है, तो स्वीप कट का यूज होता है मेटल को रिमूव करना, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास में एक सॉलिड आपके पास में मेटल होना चाहिए, ठीक है। तो उस पहले से जो बना हुआ 3D ऑब्जेक्ट है वहां से मेटल को रिमूव करना है। सेम प्रोसेस आपका वही रहेगा, लेकिन केवल सिंपल इतना स्विफ्ट बॉस और स्विफ्ट कट में केवल इतना ही डिफरेंस है कि स्विफ्ट बॉस एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करता है और स्विफ्ट कट मैटर को रिमूव करता है। तो सपोज जैसा कि मैंने यहाँ पर इस पॉइंट पे आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक हेक्सागन शेप बना दिया, ठीक है। मुझे इस तरह की कटिंग करनी है, तो जो मैं यहाँ से 10 डायमीटर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जो आपके पास में सॉलिड पार्ट से ऊपर का ऑप्शन है, ऊपर का जो स्केच है, ठीक है, ये आपको शो नहीं करेगा, केवल जो इसके अंदर का सेक्शन है वही यहाँ से आपको रिमूव करेगा, उतना मेटेरियल उस शेप में मेटेरियल रिमूव करेगा सॉलिड ऑब्जेक्ट से। या आप इसको फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए और इसको ऊपर के पोर्शन को भी ट्रिम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिम करने के लिए आप क्लोज सेट पे जाइए, ट्रिम टू क्लोज सेट, और यहाँ से ट्रिम करना है। ठीक है, तो एक तरह से ये सॉलिड बॉडी आपके पास में आ जाएगी, और ये जो अंदर का सर्किल है ना, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। एग्जिट, यहाँ से एग्जिट कीजिए। अब ये इस तरह से आपके पास में प्रोफाइल भी है और सेक्शन भी। ये सेक्शन है, यानी ये प्रोफाइल है, और ये आपके पास में पार्ट है। तो यहाँ से आप फीचर्स में जाएंगे और फीचर्स में स्विफ्ट कट का यूज करेंगे। स्विफ्ट कट में आप यहाँ से प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से पार्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। जस्ट ओके आप यहाँ पर कीजिए, तो देखेंगे यहाँ पर इस तरह से आपके पास में ये ग्रुप कटा हुआ यहाँ पर आपको मिल रहा है। सेक्शन का जो हेक्सागन आपने ड्रॉ किया था,
ठीक है, इस तरह का आपके पास में ग्रुप यहाँ पर रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा कलर सेट कर लेते हैं इसमें। इसके बाद जैसे कि आपको सपोज नट आप बना के उसके ऊपर चैम्पर काटना हो आपको, ठीक है, तो आप वहाँ पर सबसे पहले तो नट ड्रॉ कीजिए और नट के ऊपर आपको चैम्पर करना है, तो आप उसमें स्विफ्ट कट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेक्सागन आप ड्रॉ कीजिए यहाँ पे और यहाँ से इसका साइज आप दे दें। ठीक है, हेक्सागन का साइज मैंने यहाँ पर 6 डायमीटर दे दें। दूसरा एक सर्कल आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए अंदर और इस सर्कल का भी साइज आप यहाँ पर दे दें, 36 मैंने यहाँ पर दे दिया। एग्जिट वर्क बेंच, फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पर आप एक्सट्रूड कीजिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से थिकनेस आप इसको दे दीजिए। ठीक है, 36 मैंने यहाँ पर थिकनेस दे दी या 30 कर दीजिए। और यहाँ से आप मिड प्लेन लें, मिड प्लेन लेके कंटूर में आप जाएंगे तो यहाँ पर सर्कल को आप भी सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, ठीक है, आप सेम इस सर्कल को आप सेलेक्ट कीजिए, सॉरी फेस को, टॉप फेस को सेलेक्ट करें, यहाँ से नॉर्मल में जाइए, एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कीजिए जो कि टेंजेंट को कनेक्ट करते हुए टेंजेंट लेते हुए। एग्जिट, एग्जिट करने के बाद में आप इस प्लेन को सेलेक्ट कीजिए और नॉर्मल, यहाँ से आप एक पेपर में स्केच ड्रॉ करें लाइन के थ्रू। और देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है जो इसका एंगल है वो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर आपको एंगल देना है, एंगल आप 30 डिग्री यहाँ पर देंगे तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसकी लेंथ थोड़ा सा, ये आपका सर्कल के अलोंग मूव करेगा या इंक्रीज करेगा और जहाँ पर भी आपके पास में एक कॉर्नर है, ठीक है, तो ये इसकी डिस्टेंस आपकी कॉर्नर जो कि कॉर्नर से डिस्टेंस है उससे अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आप यहां से एग्जिट करें, फीचर्स में जाइए, स्विफ्ट कट सेलेक्ट करें और सेक्शन को सेलेक्ट करें और उसके बाद में प्रोफाइल को सेलेक्ट करें, ये आपका पाथ, सॉरी पाथ को सेलेक्ट करें। ठीक है, पहले आपने प्रोफाइल सेलेक्ट किया, सेक्शन भी हम कह सकते हैं, प्रोफाइल भी हम उसको कहेंगे और यहां से ये आपका गाइड कर या फिर आप इसको पाथ भी कह सकते हैं। ओके, कभी भी इस चैम्पर का यूज नहीं करना है, ये चैम्पर आपके पास में वो केवल आप होल के अंदर यूज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसकी चैम्पर को यहाँ पर 2 mm कर दें। ठीक है, ओके, इसी तरह से अगर मुझे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिरर करना है तो मिरर आप करें यहाँ पर, पहले तो आप मिड प्लेन को सिलेक्ट करें, मिड प्लेन जो कि इसके पैरेलल में है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है और फीचर के लिए आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते, ठीक है, ये भी सिलेक्ट कर लें। ओके, या फिर एक एक करके इसको सिलेक्ट करें, पहले तो इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है, और ओके, उसके बाद इसी का यूज करेंगे। सपोज आप मिरर करते हैं यहाँ पे, तो मिरर के लिए आप इसका पैरेलल प्लेन इसको सिलेक्ट करें, देन ओके। और चैम्पर अगर नहीं होता यहाँ पे मिरर, तो आप यहाँ से डायरेक्ट आप चैम्पर का यूज करें, सेलेक्ट करेंगे और ओके,
ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर नट बना सकते हैं इसको, चैम्पर स्विफ्ट कट का यूज करते हुए, स्विफ्ट कट का यूज करते हुए। अगर सपोज मुझे यहाँ पर थ्रेड काटना है, ठीक है, तो आप थ्रेड भी यहाँ पर आप काट सकते हैं, थ्रेड भी आप स्वीप कट के थ्रू ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए प्लेन को, ठीक है, प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सेम सेलेक्ट करना है, इसको आप हिडन लाइंस में ड्रॉ कीजिए। यहाँ से सबसे पहले एक आप लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, थोड़ा बाहर की तरफ लेते हुए, और इसको आप करें 14। देन एग्जिट, वापस आप स्केच इसी प्लेन को सेलेक्ट करें और इसमें आप एक ट्रायंगुलर शेप ड्रॉ करें। अगर मुझे यहाँ पर सपोज थ्रेड काटनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ से जहाँ मेटल की साइड में आप इसको ट्रायंगुलर में दे दीजिए, ठीक है। सपोज इसका आपको साइज 2 mm की पिच वैल्यू आपको देनी है, तो यहाँ पर इसकी साइज को 1.9 कर देते, ठीक है, 1.9। ये भी और ये एंगल आप इसको 60 कर दीजिए। जो भी आपका पूरा डिस्टेंस आपकी 1.9 थिकनेस हो जाएगी, एंगल आपका 60 डिग्री। फिलेट का यूज करना हो तो सपोज 0.2 का फिलेट कर रहे हैं, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, या 0.1 का आपको फिलेट करना है, ठीक है, 0.1 की। ये जो साइज आपकी रहेगी यहाँ से लेके, ठीक है, आप डायमेंशन में जाइए, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है, इस साइज को आप 18, ठीक है, 18, 36 हमारा डायमेंशन था तो हमने यहाँ पर 18 कर दिया। एग्जिट वर्कबेंच, फीचर्स में जाइए, स्विफ्ट कट का आप यूज करेंगे। स्विफ्ट कट में सेम चीज़ें, आप यहाँ से पहले सेक्शन सेलेक्ट करें, फिर आप पाथ को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप पिस्ट में जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन पर क्लिक करते हुए पिस्ट प्रोफाइल में आप जाइए। पिस्ट प्रोफाइल में आपको यहाँ से रिवॉल्यूशन का यूज करना है, और रिवॉल्यूशन में 40/2 पिच वैल्यू आपको 2 mm है, तो यहाँ पर 20 आपने यहाँ से नंबर ऑफ टर्न आपने यहाँ पर दे दिया 20। मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड में यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको नट में थ्रेड कटी हुई मिलेगी। तो इसमें हम क्या है कि स्वीप कट का यूज करते हुए यहाँ पर थ्रेड काटते हैं, तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए कलर देने के लिए। वापस आप बॉडी पर क्लिक करें, यहाँ से आप डबल क्लिक करें जस्ट कलर के ऊपर, प्रॉपर्टीज में जाके, और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए आप तो ये आज के टॉपिक थे आपके, ठीक है। तो इस तरह से हम स्विफ्ट बॉस का और स्विफ्ट कट का यूज हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमने कुछ मॉडल्स बनाए हैं, डोर का मॉडल बनाया है, ठीक है, जिसमें कि हमने डोर का फ्रेम बनाया है, यहाँ पर बैंड सॉकेट बनाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग बनाई है, हेलिकल स्प्रिंग बनाई है। स्विफ्ट कट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर चैम्पर काटा है नट के ऊपर, और साथ में ही थ्रेड भी किया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था। आपको अगर वीडियो सही लगे
तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइएगा। थैंक यू।